नमस्कार सभी को, राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं। मैं इस समय जम्मू कश्मीर के भाजपा के त्रिकुटा नगर हेडक्वार्टर के बाहर खड़ा हूं, और इस समय आप ये देख रहे हैं जो मेरे पीछे ये भीड़ है, ये सभी सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं जो बीजेपी के वर्कर्स हैं। इन्होंने जो है रिजाइन करने का सोचा है। कारण ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं नई डिलिमिटेशन में, उसमें सुचेतगढ़ को आरएसपुरा के साथ मर्ज किया गया, जिसके बाद ये सभी लोग जो हैं इस गुस्से में हैं कि उन्होंने जो है रिज़ाइन करना है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो है प्रदर्शन इनका शुरू हो चुका है, और ये प्रदर्शन है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो अपना पूरा का पूरा रिपोर्ट दी गई है, उसके बाद जो है ये सारा आप देखेंगे कि आज यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है। और ये सभी सुचेतगढ़ हक मांग रहे हैं, ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। और आप देखेंगे कि सर, तुस जेड़े आज लोग सारे कट्ठे हुए आए दे हो, जेड़ी डिलिमिटेशन दी एक रिपोर्ट आई है, उदे बाद सुचेतगढ़ की आरएस पूरे करने जेड़ा मर्ज किता, तुस क्या आखना चाहते हो ते के तुस इस रिपोर्ट की सही मानते हो? बिल्कुल सही नहीं मानते इस रिपोर्ट को। हम बड़ी मुश्किल से हमारे स्वर्गीय चौधरी चुन्नी लाल ने बड़ी एफर्ट करके जो सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी, तो आज इन्होंने सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ही खत्म कर दिया है। हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी का 75,000 वोट है, तो जहाँ जैसे श्री माता वैष्णो देवी जी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है इन्होंने, उसमें मात्र 70,000 वोट है। तो हमारी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इन्होंने उसको खत्म करके हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ही खत्म कर दिया है। हम इससे बिल्कुल नाराज हैं। हम ये जो इन्होंने रिपोर्ट दी है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और जब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सुचेतगढ़ वापस नहीं मिलती, तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। और हम आज जितनी भी हमारी पार्टी आई है बीजेपी के, जितनी भी कार्यकर्नी है खासकर सुचेतगढ़ की सारी रिजाइन कर रही है। ये आप अपनी पोस्टों से रिजाइन कर रहे हो, और कितने लोग आप लोग जो है रिजाइन कर रहे हैं? आज हमारे साथ कम से कम जी 200 लोग आए हैं, और हमारे 10,000 लोग हैं जो सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे रिजाइन कर रहे हैं, और पार्टी का बिल्कुल काम नहीं करेंगे हम। आप क्या कहना चाहेंगे, जो अभी तो एक महीना है, आप लोग अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं, दो मेंबर पार्लियामेंट हैं बीजेपी के, कुछ आप करना चाहेंगे अपनी तरफ से बात? हाँ, हम बात करने आए हैं। आज हम आदरणीय रविंद्र राणा जी से मिलने आए हैं, उनसे बात करेंगे। उसके बाद एमपी साहब दिल्ली हैं, शाम को वो आ जाएंगे, कल पहुंचेंगे, कल उनसे भी बात करेंगे। और बात करके जैसे जैसे हमें बोलेंगे उस पे हम अमल करेंगे, लेकिन जब तक हमें सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी वापस नहीं मिलेगी, हम चुप बैठने वाले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी। क्या आखना चाहते हो, जेड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी मर्ज कीती है, कितना गलत है? सर, सुचेतगढ़ दे लोकें दा कहना बिल्कुल सरासर ना इंसाफी है। सन 1996 दे विच स्वर्गीय चौधरी चुन्नी लाल की एफर्ट का कहना सुचेतगढ़ सुचेतगढ़ लोगों की कंस्टिट्यूएंसी अलग मिली, और बाद लगातार बीजेपी ने उतो सीट कटी है। सिर्फ एक 2002 छोड़कर 2002 कांग्रेस ने सीट जीती ही, अदरवाइज 3 बार जिन्ने बार असेंबली के इलेक्शन होए बीजेपी ने सीट कटी है। और कन्ना सुचेतगढ़ पूरा इंटरनेशनल बार्डर है, और जी डिलिमिटेशन रिपोर्ट ने जरा ये ड्राफ्ट सौंपया, और पूरे बार्डर के लोगों का कहना नाइंसाफी हुई है। अहें अज पूरी सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी के बीजेपी के जिन्हें भी वर्कर ने, सत्त मोर्चे, बूथ इंचार्ज, पन्ना प्रमुख, दोनों बीडीसी चेयरमैन, सारे अहें पार्टी हाईकमांड की अस्तीफा सौंप रहे हैं। जद तक साड़ी सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी वापस नहीं मिलती, अहें पार्टी का कोई काम नहीं करांगे। और अगर जरूरत पई अस 10,000 बंदे का कहना सुचेतगढ़ कंस्टिट्यूएंसी के आर एस पुरा के पूरा धरना देंगे, चाहे वो वास्ते सू शहीदियां भी देना पैनगियां, देने की तैयार हाँ, कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल अस सरासर सुचेतगढ़ के लोगों के वास्ते संघर्ष करांगे जब तक सानू वापस। बॉर्डर के लोग हमेशा गोलियां भी खादियां, उत्थे बॉर्डर पर डटे भी रहे, क्यों बार बार बॉर्डर के लोगों करने इतना अन्याय होता? सर, इस वास्ते है डिलिमिटेशन रिपोर्ट के जेडे जिन्हें भी आगू कार हैं, चाहे वो कोई भी मैंबर है, चाहे पार्टी का बंदा, चाहे कोई, अस उन्हें कोलों जवाब मंगे दे कि तुसें सुचेतगढ़ के लोगों कहना क्या इंसाफ किया, जिन्हें लोगों अपने शरीर के उपर गोलियां खादियां, बॉर्डर की बिल्कुल एकदम
देश का कन्ना राष्ट्रवादी लोग ने पूरे सुचेतगढ़ के, लेकिन अज जी डील पटीशन की रिपोर्ट आई है उन्हें सरासर गलत किया। जब तक सुचेतगढ़ की पूरे तरीके का कन्ना कंस्टिट्यूएंसी वापस नहीं मिलेगी अस लोग पूरे लोग संघर्ष करेंगे। बिल्कुल सर, के नाम थोड़ा सर? मेरा सुनो जी सुनो, मेरा नाम है सर काबल सिंह, सही कलां दे रहने वाला मैं। एक कंस्टिट्यूएंसी जिहड़ी साड़ी कैंसल की है, एक पार्टी ने साडे नाल बहुत न्याय किया और साडे नाल बहुत दगा किया। मैं सर अपनी रिपोर्ट दसा कि मैं सन 96 दा इस पार्टी कन्ने चलदा, इस टाइम मेरी 75 साल उम्र जा रही है और जितनी बार भी इलेक्शन हुई ने बीजेपी का कैंडीडेट जोड़ा है वह सुचेतगढ़ तो अं जित के भेजे। और यह जी कंस्टिट्यूएंसी है चौधरी चुन्नी लाल ने अलग की ही, और उस कह गया कि मैं एक वोट का बूटा ला चलिया, वो पार्टी जी वोट के बूटे की पानी दी रहेगी। अज इस गौरमेंट ने वोट का बूटा जोड़ा जड़ू पटक रख छोड़ा, जदों तक साड़ी ये मांग पूरी नहीं होगी अं पिछा हटने वाले बिल्कुल नहीं है। अज अं आए हाँ जिन्हें कार्यकर्ता साढ़े अहदे ने, बूथ इंचार्ज, पोलिंग एजेंट और शक्ति केंद्र इंचार्ज, ये अज अं आए हाँ पार्टी इस पार्टी की इस्तीफा देने वास्ते। वो इस्तीफा उदों तक रहेगा जदों तक साड़ी कंस्टिट्यूएंसी बहाल नहीं होंगी। अस बिल्कुल पार्टी का कम नहीं करा। और हले रिपोर्ट जी पब्लिक नहीं हुई है, हले एक महीना होंगे जिद ऑब्जेक्शन फाइल करी सकते हैं। के लगता है तुहानू तुहाड़े एम पी साहब जिहड़े हन तुहाड़े लई सोचणगे कोई ऑब्जेक्शन फाइल करन? सर एम पी साहब नू मिलना, जिस तरह मेरे एक साथी ने कहा अज एम पी साहब पता नहीं दिल्ली गए जां किथे रहे ने, पार्टी अध्यक्ष रविंदर राणा जी, उन्हां नाल भी अहीं बिल्कुल शांत तरीके कन्ने गल करनी है। अहीं बिल्कुल शांत तरीके कन्ने प्रोटेक्ट करांगे। अगर गौरमेंट साडी इह गल नहीं मन्नेगी फिर अहीं अपनी मर्जी करांगे। अहीं एक बार्डर से छपाई हाँ जड़ा कि अहीं पाकिस्तान के बार्डर के उपर छपाई का काम भी करने हाँ। अहीं कहना बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से काफी सारे कार्यकर्ता जो है यहाँ पर आए हैं, और ये देख लीजिए ये इनका कहना है कि ये अपना हक लेकर रहेंगे। जो सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी को आरएस पूरा के साथ मर्ज किया है उसको देखते हुए आज लगभग 83 पोलिंग बूथ्स के जो कार्यकर्ता हैं पन्ना प्रमुख के साथ यहाँ पर आए हैं, जिनमें 26 शक्ति केंद्र के इंचार्ज भी हैं और 2 मंडल प्रधान हैं जिनके नाम घार सिंह जी जो कि चकरोई मंडल से हैं और दूसरे कृष्ण चौधरी जी जो कि सुचेतगढ़ मंडल से हैं। इनके अलावा 25 सरपंचीज भी हैं काफ़ी संख्या में, वह इनके साथ BDC चेयरमैन सुचेतगढ़ से तरसेम सिंह सरोज जी भी हैं। तो ये सभी लोग जो हैं अपनी रिस्पेक्टिव पोस्ट से, बीजेपी से नहीं अपनी बीजेपी में जो इनकी पोस्ट है उससे इस्तीफा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हेड क्वार्टर में आए हैं। और इनका कहना है कि इन्हें सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस तरह से पहले से अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो उसी तरह से चाहिए, और डीलिमिटेशन की रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं हुई है। अभी भी एक महीना होता है जो कुछ दिन रहते हैं जिसमें सभी MPs अपने अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं, तो देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्शंस फाइल होते हैं। और देखने वाली बात यह भी है जहां पर कश्मीर में 30-30 40-40 हज़ार के लोगों में इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांट दी गई हैं, पहली बार जम्मू में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर दी गई हैं उसमें भी कई बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हक जो हैं मारे जा रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं। ये आज का बड़ा एक प्रदर्शन है और एक बड़ा प्रोटेस्ट है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बीजेपी के खिलाफ, और अपनी ही पोस्टों से उन्होंने रिज़ाइन दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया लगभग 83 पोलिंग बूथ के जो हैं लोग हैं और जिनमें पन्ना प्रमुख हैं, 2 मंडल प्रधान हैं, 26 शक्ति केंद्र के इंचार्ज हैं जो 2 मंडल प्रधान हैं, एक चकरोई से हैं घार सिंह जी, एक सुचेतगढ़ मंडल से हैं कृष्ण चौधरी जी, इसके अलावा 25 सरपंचेज हैं और BDC के चेयरमैन हैं सुचेतगढ़ से तरसेम सिंह सरोज जी। बाकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, अभी फिलहाल अंदर अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे बात करने के लिए ये लोग गए हैं जो कि सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं। हालांकि अभी बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना वो तो अभी अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी सीनियर लीडर्स जरूर हैं, उनसे देखते हैं क्या बात होती है और आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहें JK मीडिया। धन्यवाद। राम राम।